हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने वोटर कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप भी फ्रेंड्स लिंक करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने वोटर कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप क्रोम ब्राउजर में आते हैं, क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको इस वेबसाइट को खोल लेना है। फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है अभी यहाँ पे मोबाइल मोड में चल रही है और हम इसे यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे लगा लेते हैं। तो क्रोम ब्राउजर में आपको डेस्कटॉप मोड पे सेटअप कर लेना है। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है लॉगिन, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है लॉगिन करने के लिए, अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप लॉगिन करिए, और अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड करने के लिए लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने रजिस्टर्ड का पेज आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद कैप्चा भरना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे वेरीफाई कराना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ईपिक नंबर की जानकारी है वो आपको देनी है, और उसके बाद आपको नीचे ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है, और कैप्चा कोड भरना है, और यहाँ पे अपने आप को लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार से ये जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी इसके ऑप्शन या फीचर्स हैं वो सब कुछ आपके सामने निकल के आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अपने वोटर आईडी पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक करने के लिए देखिए यहाँ पे एक फीचर्स मिलता है करेक्शन का, तो आपको करेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सेल्फ या फैमिली, यानी कि आप स्वयं का यहाँ पे करना चाहते हैं या फैमिली का। तो फ्रेंड्स मैं स्वयं का करना चाहता हूँ, तो मैं स्वयं को चुनता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक और अगला पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देख पाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म में आपको वो जानकारी भरनी है जो आप करेक्शन कराना चाहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे नाम में परिवर्तन करते हैं या एड्रेस में या फोटो में, तो आपको यहाँ पे उस चीज के ऊपर चेकमार्क लगाना है जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप किसी में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे चले आइए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे केवल मोबाइल नंबर ही देना चाहता हूँ, तो मैं और कोई भी चीज यहाँ पे नहीं भरूंगा। खाली यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है, और हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आना है और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भर देना है। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे भर देता हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी जानकारी और देनी है जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना जेंडर चुन लेना है, तो आपको यहाँ पे जेंडर भरना है अपना, आपका क्या जेंडर है, ठीक है, तो मेल या फीमेल है, आप वो जेंडर यहाँ पे डाल देंगे। और जेंडर चुनने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर आना है, और जो आपका नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, आपको उसके सामने अपना नाम हिंदी में डाल देना है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें अपना नाम हिंदी में जरूर डालना है, नहीं तो ये फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी कुछ जानकारी हम यहाँ पे भरते हैं, उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड भरना है, और कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सबमिट करना है। चलिए मैं जानकारी भरता हूँ और सबमिट करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख पाएंगे आपको इस प्रकार से रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, और आपको एक SMS भी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको इस नंबर को संभाल के रखना है, और इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन का क्या स्टेटस है। चलिए इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से मैं आपको एक बार अपना स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमें अपना रेफरेंस नंबर देना है, जो भी हमारा रेफरेंस नंबर है। चलिए हम यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं। देखिए फ्रेंड जैसे हम ट्रैक करेंगे तो देखिए हमारा स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी हमने सबमिट किया है। उसके बाद ये BLO के पास जाएगा,
जहां से जानकारी वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वहां पे अटैच कर दिया जाएगा हमारे वोटर आईडी के साथ। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी अपने वोटर कार्ड से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।